शालीन को खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में मिली एंट्री। शिव का टूट गया सपना। शालीन पर लगा रोहित शेट्टी को अपमानित करने का आरोप। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 16 में कई चीजें पहली बार हुई और शो के फिनाले से एक दिन पहले यह भी पहली बार हुआ कि शो के फाइनलिस्ट में से किसी एक को खतरों के खिलाड़ी के अगले सीजन के लिए चुन लिया गया है। बिग बॉस के घर में खतरों के खिलाड़ी के होस्ट रोहित शेट्टी बतौर मेहमान होस्ट नजर आए और उन्होंने घर में मौजूद 5 फाइनलिस्ट्स को टास्क दिए और उस टास्क में ढेर सारे टास्क में ये लोग परफॉर्म करते हुए नजर आए। पहले अंडर वाटर टास्क हुआ, फिर लेजर लाइट करंट वाला टास्क हुआ और उसके बाद साइकिल रनिंग वाला एक स्टंट वाला टास्क था जिसमें साइकिल चलाते हुए कांच को तोड़कर बाहर निकलना था। तो कुल मिलाकर इन सारे टास्क में सभी फाइनलिस्ट ने हिस्सा लिया और आखिरकार नतीजा ये निकला कि शालीन इस पूरे टास्क में विजेता घोषित हुए और खतरों के खिलाड़ी के होस्ट रोहित शेट्टी ने बिग बॉस के घर में ही ऐलान कर दिया कि शालीन विजेता बनते हैं और उन्हें सीधे खतरों के खिलाड़ी के अगले सीजन में जाने का कार्ड मिल जाता है। यानी शालीन को खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 के लिए एंट्री मिल गई है, लेकिन शालीन भानोट रोहित शेट्टी के सामने ही ये कहते हुए नजर आए कि वो ये शो नहीं कर पाएंगे, जो सुनने में वाकई डिसरेस्पेक्टफुल था। बड़ी शिद्दत से खतरों के खिलाड़ी में जाने का इंतजार शिव कर रहे थे तो कहीं ना कहीं शिव का सपना चकनाचूर होते हुए नजर आया है। अर्चना इसी विषय पर बात करते हुए नजर आई कि शिव शिद्दत से खतरों में जाना चाहते थे लेकिन उन्हें वो मौका नहीं मिला। शालीन को मौका मिल रहा है तो वो कह रहे हैं कि वो शो नहीं करना चाहते हैं। अगर उन्हें नहीं भी करना है तो उन्हें रोहित शेट्टी के सामने इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था, जो वाकई बेहद ज्यादा अपमानजनक लग रहा था। तो कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ना चाहते हुए भी शालीन को खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में एंट्री मिल गई है। शिव जो शिद्दत से शो में जाना चाहते थे उनका सपना टूट गया है और शालीन पर कहीं ना कहीं रोहित शेट्टी को अपमानित करने का आरोप भी लगा है। टीवी और बिग बॉस से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं।